रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये फर्स्ट सेशन होगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है ना। ओके तो अभी तुम अपना म्यूट करो तो। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले तो क्लास 8 में आप कुछ रिसोर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स का सिंपल सा मीनिंग है कि आप जानती भी होंगी कुछ, मतलब है ये कि कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास होता है जिसको हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, या फिर जो हमारी नीड को पूरा करता है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ओके तो सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं, द थिंग्स दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन यही होता है। ओके बट ये क्लास 10th है तो हर चीज़ यहाँ पे सिंपल नहीं होगा। सिंपल नहीं होने का मतलब ये है कि आपको कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। क्लास 8 और 10th में यही डिफरेंस हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा बताने का मतलब आपको एक जो ऑथेंटिकल जो डिफिनीशन है, जो सही डिफिनीशन है, वो आपको पता होना चाहिए और वो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। देखो मेरे पढ़ाने का मतलब यही है, आप यूट्यूब से भी इसको पढ़ सकती हैं, बुक से भी पढ़ सकती हैं, हो सकता है समझ में भी आ जाए। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब हम एग्जामिनेशन हमारा नज़दीक आता है तो उस समय हमको दिक्कत होता है कि अब इसको हम सर ये लिखेंगे कैसे। मान लिया इसको हम पढ़ लिए, हमको रिसोर्स समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है, इस जो ये पेज है, ये टॉपिक है, उससे आज तक क्वेश्चन किस तरह से आए या किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, ये मेन चीज़ है। ठीक है तो इसलिए हमको यही आपको बताना है कि पहले तो हम समझाएंगे आपको, समझाने के बाद इसके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं उसको हम बताएंगे और लिखवाएंगे भी। लिखवाने में मुझे टाइम हम नहीं लेंगे, हम बस ऑलरेडी रिटन मटेरियल हम आपको दे देंगे अपने अपना लिखा हुआ। ठीक है और जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड, तो वो रिसोर्स हम पढ़ा चुके हैं, तो रिसोर्स से क्या क्या क्वेश्चन आज तक आया हुआ है उसको देखिए। ठीक है किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और उसको जो आप लिख लेंगे उसके बाद एग्जामिनेशन के टाइम पे एक बार रिवाइज करना होगा आपको कि क्या, कि बस एक बार उसको देखे कि हाँ सर ये बताए थे समझ में आया था, अब लिखना कैसे है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा ऐसे पढ़ लेना है। तो 100% है कि आपको इसमें दिक्कत होगा ही नहीं। तो दो चीज़ आपको करना है, अच्छे से इसको समझना है जो कि हम समझाएंगे, दूसरा ये जब कहा जाएगा आपको तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं उसको किस तरह से किस वे में लिखना है, 1 मार्क्स में किस तरह लिखना है, 3 मार्क्स में किस तरह लिखना है और 5 मार्क्स में किस तरह लिखना है, वो आपको हम लिखवा देंगे कॉपी के थ्रू। तो कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है एकदम ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस समय पता हो जाएगा आपको उसका जो बेनिफिट, एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ये गाइड खरीदो, ये बुक खरीदो, वो खरीदो, सिंपल सा आपका ये कॉपी रहेगा। क्वेश्चन हो सकता है कुछ ज़्यादा हो लेकिन आपको वही बस पढ़ना है, और अगर आपके पास एक क्राइटेरिया हो कि हाँ हमको यही बस पढ़ना है, इसी कॉपी से पढ़ना है, तो वो जी हो जाएगा। एक ही कॉपी को आप 10 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ना कि आप 10 कॉपी को एक बार पढ़ें। ओके तो आप इसी को पढ़ना है आपको। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पोर्शन को पहले हम समझाते हैं रिसोर्स के बारे में। देखो रिसोर्स का सिंपल सा डेफिनेशन है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। अब बुक में देखो उसको लिखा होगा, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज। चलो हम इसको भी यहाँ से ओपन करते हैं PDF अपना, उसके बाद फिर देखते हैं। PDF अच्छा जरा अपना वो अनम्यूट करना साउंड, हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो म्यूट करो फिर। अब इसमें देखो ये जो तुम्हारे बुक का जो फर्स्ट पेज होगा, ये वाला जो मेन पार्ट है आपका, ये अगर कुछ क्वेश्चन बनता है इस वाले पेज से, इस वाले टॉपिक से, तो यही बनेगा दैट व्हाट डू यू मीन बाई ए रिसोर्स और डिफाइन रिसोर्सेज। तो रिसोर्स को डिफाइन करना, अभी हम क्वेश्चन पर दिखाएंगे भी किस तरह से बोर्ड पे क्वेश्चन हुआ भी है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करना है। याद करने से पहले आपको उसको समझना है कि उसको हम किस तरह से समझें, किस तरह से उसको जानें। तो पहला ही लाइन जो हम बता चुके हैं आपको, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड
ओके, यहाँ तक तो क्लियर है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं और जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करेंगे वो रिसोर्स होगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, हमारे कई नीड को सेटिस्फाई करता है, सो वाटर इज अ रिसोर्स। मिनरल्स हैं, सो मिनरल्स हमारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं, सो इट विल बी अ रिसोर्स। एनिमल्स हैं, सॉयल है, एयर है, ये हमारे नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या हमारे लिए यूजफुल है। सो ये क्या होगा, ये एक रिसोर्स होगा। बट इसके बाद वाला जो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ वाला, अब इसको आपको समझना है, ठीक है ना। इसको समझने का मतलब ये है कि अब इसको हम अच्छे से, मतलब जो प्योर जो ऑथेंटिकल जो क्या है, जो डिफिनेशन है वो हमको जानना है। देखो यहाँ पे लिखा होगा तीन चीज़ें हैं, इफ़ इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ये कह सकते हैं उसको, एंड इफ़ इट इज़ इकोनॉमिकली फीजिबल, सॉरी इकोनॉमिकली फीजिबल, और फिर क्या हो जाएगा, फिर कल्चर, एक होगा कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो तीन चीज़ है जो इसको हम अभी हम यहाँ से उसको देखने वाले हैं, जस्ट वेट ए सेकेंड, कि अगर हम बोर्ड के थ्रू देखें। हाँ, तो हम क्या क्या तीन चीज़ था, तो एक था आपका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तो राइटिंग यहाँ पे, ओके। फिर है आपका क्या, इकोनॉमिकली फीजिबल, इसको हम समझा रहे हैं, और फिर आपका होगा यहाँ पे कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड इफ इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब कि वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, और अगर टेक्नोलॉजी के यूज से हम उसको यो क्या करें, यूटिलाइज कर सकें, उसको यूज कर सकें। मतलब कि सपोज करो वाटर है, तो वाटर का हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएँ। तो वाटर को क्या करेंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे वाटर में, तो हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके ही हम उससे डैम बना सकते हैं, ओके, कैनाल क्रिएट कर सकते हैं। तो वाटर को यूज करना है तो उसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, इसका मतलब वाटर इज वॉट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल थिंग, उसमें हम टेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वाटर विल बी वॉट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल थिंग, तब जाके वाटर क्या होगा, रिसोर्स होगा। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, सपोज करो अफ्रीकन जो कंट्री है वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, ओके, लेकिन वहाँ के लोगों के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो वाटर को चेंज कर सके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ के लोगों के लिए वो ये रिसोर्स नहीं होगा, बिकॉज दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी, आप ऐसे कह सकते हैं। और दूसरा बात ये कि अगर हमारे वहाँ ये है, हमारे वहाँ का मतलब ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम क्या कर सकते हैं, वाटर को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में उसके फोर्स को यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का को हम मेड कर सकते हैं, हम बना सकते हैं वाटर को यूज करके, वाटर की स्पीड को यूज करके, एयर की स्पीड को यूज करके हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिनरल्स को क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम मिनरल को बाहर निकाल सकते हैं, पेट्रोलियम को बाहर निकाल के उसको हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सारी चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, कि जैसे कि H2O है, अगर वाटर है तो वाटर से माना जाता है कि अगर इससे हाइड्रोजन हम अलग कर दें, इससे क्या होगा, इससे ये जो हाइड्रोजन होगा उसको हम कई वे में यूज कर सकते हैं एनर्जी के फिगर में। लेकिन अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को इससे अलग कर सकें, हो सकता है आगे हम करें, ओके। तो सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, ओके, मतलब सिंपल सा है कि जिस कंपनी, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ जो है, उसमें वो सारी चीज़ें जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएँ वही रिसोर्स होंगे, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं होंगी, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएंगे, सो दे आर नॉट कॉल्ड अ रिसोर्स। तो इससे अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, व्हाट डू यू मीन बाई टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, नहीं, केवल हम आपको बता रहे हैं कि हाँ याद रहे आपको कि हाँ सर बताए थे कि डिफिनेशन ऊपर से ऐसे दो लाइन लिख देना है, उसके बाद क्या लिखना है, इफ़ इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे तभी वो रिसर्च होगा। तो ये कम से कम याद रहे। फिर आपका है इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब होता है क्या, दैट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव, मतलब वो रिसोर्स जिसको यूज़ करना बहुत महंगा ना हो, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना, यूज़ करना मतलब उसको पाना बहुत ज़्यादा महंगा ना पड़ गया है वो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम डायमंड हो सपोज करो, या फिर जो भी चीज़ें, बहुत डायमंड एग्जाम्पल लें, बहुत अंदर है, अब उसको माइन बनाना, उसको यूज करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ओके, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। क्यों,
क्योंकि अगर उसको यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और जो हमारा इकोनॉमिकल जो हमारा एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, वो कम होगा लेकिन हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जिसको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाए वो भी हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा, वो ऐसे पड़ा रहे ज़मीन पे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि हमारा जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, अर्थ को छोड़ के बहुत सारे प्लैनेट्स हम मिनरल्स हैं, लेकिन वो हमारे रिसोर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं रिसोर्स होंगे? क्योंकि वहाँ पे जाके उसको निकालना और फिर उसको लेके यहाँ पे आना वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज वुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, फीजिबल का मतलब अगर माने यहाँ पे तो ये होता है कि मतलब जो संभव हो या फिर जो किफ़ायती हो, बहुत ज़्यादा पैसा उसके लिए ना खर्चा करना पड़े, ओके। कल्चरली एक्सेप्टेबल बाद में आता है। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है क्या कि देखो, कल्चर का मतलब हमारे संस्कृति से है, हमारे ट्रेडिशन से है, हमारे सोसाइटी के रूल से है। सोसाइटी में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें कल्चर की, तो किसी एक सोसाइटी में लोग नॉनवेज को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं। तो सपोज करो जो वेजिटेरियन है, जो मीट मांस जो भी है वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये जो नॉनवेज जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हेन है, गोट है, एग है, जो भी है, वो उनके लिए रिसोर्स नहीं होगा। क्यों रिसोर्स नहीं होगा? क्योंकि उनका कल्चर इस तरह से है कि वो अलाउ नहीं कर रहा है कि वो इसको यूज करें, ठीक है। अदर जगह पे लोग यूज करेंगे, लेकिन जो कल्चर जो है, उनका जो कल्चर है, वो अलाउ नहीं कर रहा है कि वो उसको क्या करें, यूज करें। तो कल्चर के वजह से वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। और रिसोर्स कब होगा यूजफुल, या फिर कोई भी चीज़ रिसोर्स कब होगी? जब हम उसको यूज करेंगे। सो इफ़ वी आर नॉट यूजिंग आवर एनी रिसोर्स, ओके, बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, रूल ऑफ सोसाइटी, ओके, तो इट विल बी व्हाट? कल्चर इट इज़, वी कैन से दैट इट इज़ नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल, ओके। और वो अगर कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा, ठीक है। अगर वहीं पे जो नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है, वहाँ पे गोट और मीट तो भी है, ठीक है, एग है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, यूजफुल है, उनके लिए यूजफुल है और वो उसको यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या हो जाएंगी, रिसोर्स हो जाएंगी, क्योंकि उनका कल्चर अलाउ कर रहा है कि वो उसको क्या कर सकें, उसको यूज करें, ओके। सो ऑल थिंग्स इज क्लियर। सो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अब हम डिफिनेशन देखते हैं एक बार और। डिफिनीशन को, जस्ट वेट अ सेकेंड, कहाँ गया आप? अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब यही तुमको लिखना है, एग्जामिनेशन में आएगा तो यहीं से आएगा। और कौन सी चीज़ें आएगी उसको हम बताएंगे। देखो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप रट जाइएगा, इसको भूलना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। एवरी थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, ये तो पता हो गया। आगे अभी हम क्या बताएं, इफ़ इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स। अगर वहाँ वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ हो सके उसमें, इकोनॉमिकली फीजिबल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल कि हमारा कल्चर वो एक्सेप्ट करे, उसको हम कहेंगे क्या, रिसोर्स। तो आई थिंक ये रिसोर्स का डेफिनेशन आएगा अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, दैट व्हाट डू यू मीन बाय ए रिसोर्स, सो यू कैन राइट दिस आंसर वेरी इजीली, ओके। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें अब, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम अब देखते हैं कि अब ये देखिए कि ये जो ट्रैंगुलर जो फिगर है, ये वाला बात, ये कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह से आएगा कि ऐसे ट्राइंगल बना देगा, और ट्राइंगल बना के इसमें दो तीन चीज़ यहाँ पे लिख देगा, और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे। क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आपको मेन जानना है कि इन तीनों कॉर्नर पे जो ये कोन है, ठीक है ना, जो कॉर्नर है उस पर तीन चीज़ें हमेशा होती हैं। एक हम आता है फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी होता है, तीसरा हमारा इंस्टीट्यूशन होता है। अब ये होता क्या है, और सबसे सेंटर में कौन होता है? सेंटर में होता है ह्यूमन बींग्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन बींग्स नेचर का यूज करेगा, ठीक है, नेचर में जाएगा, किसके साथ जाएगा, टेक्नोलॉजी के साथ जाएगा, टेक्नोलॉजी को लेके जाएगा, उसको यूटिलाइज करेगा, उसको यूज करेगा। यूज करने के बाद अब क्या होगा कि सपोज करो कोल है, जो भी है, ह्यूमन बींग वहाँ पे गया नेचर में, ठीक है, टेक्नोलॉजी से उसको बाहर निकाला। अब क्या करना है, अब उसको किस तरह से यूज किया जाए
जिससे सबका फायदा हो, जिससे ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए वो कई तरह का क्या करता है, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। कई तरह की गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं, सपोज करो कोल को यूज़ करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एजेंसी बनाई है ताकि कोल को अच्छे वे में यूज किया जा सके, ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग उसको यूज करें। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सिंपल, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, इसमें बस ये जानना है आपको कि ये जो अगर ट्राइंगल फ्री फिगर आ गया तो आपको जानना है कि तीन चीज़ें हमेशा इस पे रहेंगी। एक यहाँ पे रहेगा आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, इसको नेचर कहते हैं, टेक्नोलॉजी इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है टेक्नोलॉजी। एक होगा आपका इंस्टीट्यूशन जो उस इश्यूज को यूज करेगा अच्छे तरीके से, और सेंटर में कौन होगा, सेंटर में होगा ह्यूमन, मतलब वही नेचर में जाएगा। ठीक है, वही क्या होगा, वही नेचर में जाएगा, वही टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और वो इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करेगा। तो इससे क्वेश्चन बस, अब देखो इसी चीज को आगे यहाँ पे आपको किस तरह से बताया हुआ है, इसको जरा आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में है तो उसको ह्यूमन बीइंग क्या करता है, चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। इसमें रिसोर्स में, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम को क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग चेंज करेगा। किसमें, रिसोर्स में, किस तरह से चेंज करेगा, तो वही हम ये ट्रायंगल जो फिगर था बताएं कि नेचर में जाएगा, टेक्नोलॉजी लाएगा और टेक्नोलॉजी के बाद वो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करेगा जो रिसोर्स को अच्छे वे में यूज करेंगे। ओके, तो यही सारी चीज़ें इस वाले पार्ट में, जस्ट वेट अ सेकंड, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ये वाला पार्ट कि किस तरह से ये तीनों स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, मीन्स कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर किसके हेल्प से, टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन बनाएगा जिससे उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ओके, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स को कहा जाता है दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर, वो क्या है, वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, हमको ये फ्री में मिला हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग। ओके, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज कभी भी फ्री गिफ्ट्स नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल कंपोनेंट फ्री हो सकते हैं, मतलब कि वाटर नेचर में है वो फ्री है, चलो मिनरल्स से वो फ्री है, लेकिन रिसोर्स का मतलब क्या, रिसोर्स का मतलब जब वाटर को हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी के हेल्प से, उसको यूज करेंगे, मिनरल्स को टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम यूज करेंगे, और जब हम टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे तो हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ वैल्यू होगा उसका। तो इस वे में जो रिसोर्सेज जो होते हैं वो कभी क्या होते हैं, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं होते हैं। ओके, तो जनरली लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट्स हैं, वो फ्री नहीं होते हैं। रिसोर्स के पहले तक तो वो फ्री होंगे, लेकिन जब रिसोर्स कहेंगे इसका मतलब अब ह्यूमन बीइंग्स उसमें क्या कर रहा है, उसमें चेंज कर रहा है, उसको यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी के हेल्प से, तब वो क्या हो जाएगा, वो रिसोर्स हो जाएगा। ओके, तो इस वे में अब इसी को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया होगा कि ह्यूमन बींग्स क्या करता है कि जो भी मटेरियल अवेलेबल है इन्वायरमेंट में उसको यूज करता है टेक्नोलॉजी के हेल्प से। ओके, और इस वे में हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज जो होते हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं होते हैं। ओके, देखो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इतना पढ़ाने का मतलब ये है कि जस्ट वेट। ओके, अब इसमें अब देखो इस वाले पेज को, क्योंकि ये डेमो क्लास है तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हम नहीं लेंगे, तो सिंपल सी बात है, अब इस पेज से क्वेश्चन क्या क्या आएगा आपका, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आने वाला है इस क्वेश्चन से, सिंपल सी बात है, आपका ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन रिसोर्सेज, ठीक है ना। दूसरा आपका ये ट्रायंगुलर फिगर आ सकता है, और ट्रायंगुलर फिगर में कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, सेंटर में कौन से हैं, ये आपको बता होना चाहिए। फिर बीच बीच में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्या आपको लगता है अगर रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तो डेफिनेटली यू कैन से नो। ओके, अब क्यों नहीं हो सकता है, तो इसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको कहना है क्या, नहीं ये फ्री गिफ्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स रिसोर्स को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें कुछ पैसा लगेगा, कुछ एक्सपेंस होगा, तो इसीलिए रिसोर्सेज कभी भी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं होते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, और आज तक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रेयर, यही रेयर है इससे, और जो आता भी है तो इस डिफिनीशन से आता है। जस्ट वेट अ सेकेंड, हम आपको क्वेश्चन वो दिखा दें कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ओके,
अब ये क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन आया एक बार, व्हाट इज अ रिसोर्स गिव टू एग्जांपल्स 2015 के सीबीएसई में, ऐसे है 2-3 साल के गैप में, 4 साल के गैप पे आता रहता है क्वेश्चन। ओके सो आई थिंक अगर क्वेश्चन आपके पास ये आता है दैट व्हाट इज अ रिसोर्स गिव टू एग्जांपल्स, तो यू कैन इजिली व्हाट डिफाइन दैट एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड इफ इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स। सिंपल सा है, आप उसको याद भी कर लेंगे, आज नहीं याद होगा एक दो बार याद करेंगे तो होगा ना, क्योंकि हम आपको बता दिए कि इस पेज से क्या आने वाला है, पहले पेज से क्या आएगा। तो पहले पेज से एक बार आपने बुक में देखिएगा, डिफिनीशन आएगा, आपका फिगर आएगा और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको बताए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे नहीं है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, एंड दैट विल बी द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना एकदम शुरू हो जाता है। ओके तो आपको क्या लगता है कि अगर इस वे में आप पढ़ेंगे, एक एक पेज को इतने डिटेल में पढ़ेंगे, तो बोर्ड से कोई क्वेश्चन आता है तो उस वो आपसे मिस होगा, कभी नहीं मिस होगा, ठीक है ना? क्योंकि इतना डिटेल में मतलब आई डोंट थिंक कि आप को कोई पढ़ाएगा एक एक लाइन, एक हर एक चीज़, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि एनसीईआरटी बुक का आप एक एक लाइन जान जाए कि इसका मतलब क्या होता है। एक बार घर पे जाके इसको आप पढ़ ली घर पे घर सॉरी आप घर पे ही हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अगर आपको लगेगा कि कुछ दिक्कत है, कुछ उसको ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैट से या किसी भी तरीके से आप हमसे वो पूछ सकती हैं, क्लास में आके फिर उसको रिवाइज करा देंगे। बट 3 चीज़ें आपको इस पेज से जानना है, डेफिनेशन, फिगर एंड सम अदर क्वेश्चन, जैसे कि ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं कि नहीं। ओके और इसके बाद से जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट बेसिस पे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका आप लोगों का मन रहेगा, आप लोगों का नंबर रहेगा, नंबर मतलब कितने बच्चे हैं, बच्चे कुछ ज़्यादा होंगे तब तो हम गर्ल्स का बैच शुरू करेंगे, अदरवाइज हमको ये बैच क्लोज करना पड़ेगा। तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा, वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है? इसके बाद ये 24 आवर तक ये वीडियो रहेगा यहाँ पे, और आप अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। और 15 तक आपके पास टाइम है, 14 तक टाइम है, 14 तक अगर आप डिसाइड करेंगे तो 15 से हम बैच आपका गर्ल्स का स्टार्ट कर देंगे। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि बातचीत में थोड़ा टाइम चला गया, और अगर हम पढ़ने की बात करें तो हमको लग रहा है कि 10 मिनट हम लोग पढ़े होंगे, और 10 मिनट में हमारा एनसीईआरटी का पहला फेज कम्प्लीट हो चुका है। और इस तरह से अगर हम रोज़ पढ़ेंगे तो जब सिलेबस ख़त्म होगा तो आपको एक एक चीज़ एक एक चीज़ आपको हर मतलब क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि हाँ यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आता है। अभी तो हम एक चीज़ देखते हैं ना, एक टॉपिक, वहीं आगे आगे हम टॉपिक आएंगे, उसको हम 1 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को आज तक बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि हाँ ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में कैसे आएगा, डिटेल में कैसे आएगा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं पढ़ा रहे इतने साल से, तो वो पता है बच्चों को दिक्कत यही आता है कि अब इससे सर क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, इसे क्वेश्चन कैसे आता है। तो दुनिया भर का बुक देखने लगते हैं मार्केट में, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, और क्योंकि उसको हम यहीं आपको हम क्या करेंगे दिखा देंगे, इवन आप जितना बुक खरीदेंगे उतना फीस भी मेरा नहीं होगा। ओके तो फीस के लिए भी हम एक बार आपको रिमाइंड करा दें, क्योंकि ये भी चलिए याद आ गया कि बहुत ज़्यादा फीस हम नहीं रखे हैं, क्योंकि शुरू शुरुआत है ये, और आप लोगों के लिए पहला मेरा बैच है, तो हम बहुत ज़्यादा फीस नहीं, तो 1 मंथ का 200 केवल है फीस, 200 ओनली। ओके तो अगर आपको लगता है कि इस फीस पे आपको मुझसे पढ़ना चाहिए, सो यू आर वेलकम। तो अगर ऐसा नहीं है तो केवल हम बॉयज़ का बैच ही लेंगे, और फिर हम भी सोचेंगे नहीं आगे कि गर्ल्स का शुरू करना चाहिए कि नहीं, ठीक है? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इसको देख रहे हैं या फिर जिनके पास से पूछ रहे हैं, कि मैक्सिमम इसको शेयर करिए, और 1 महीने का केवल हमको टाइम दीजिए। 1 महीने के बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो खुद हम आप जब कहेंगे तब हम इस बैच को बंद कर देंगे। ओके लेकिन मेरे कहने पे 1 महीने बस आप इसको पढ़िए, और आपको लगेगा कि हाँ 2 चैप्टर ख़त्म हो गया, और उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटने वाला नहीं है। ओके या मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे, तब आगे कंटिन्यू आप करिएगा। ओके तो साक्षी अनम्यूट करना।